और ये देखिए कमीशन संख्या जो ये अब तो मारता दी तकलीफ होए ओके वेल रेडी करता रहा मस्त मस्त रहा मस्त रहा टॉर्च पावर आ मरे कांटे हैं मुझे भी तो हाँ ये ज़्यादा पाल जा रहा तो है तो रहा हूँ ना ओके हम लोग उसे ए उसे आ रहे हैं ए उसे आ रहे हैं तो कहाँ ना ये साथ है ओ ते यहां पहाड़ी पता पे हां वीडियो का इधर बड़ा नहीं हेलो चालो का मनी ज्यादा गया यार ये पॉइंट गिननी चला गई थी और गिननी जा रहा है कौन कौन गेम किया मिक्स अंदर जाऊँ उधर अंदर जाते इन्फॉर्मेशन संगीर फक्त मारता हात लायला की दादा आम्ही बोलतोय हात लायला म्हणजे इतके वर्ष असते रे काय आओ हिंदी सांगता की ओके YouTube चॅनल हिंदी चॅनल इसको ये है अजगर सांप इसको इंग्लिश में बोलता है इंडियन रॉक पाइथन कम पाइथन नाम से जानते हैं और इधर हार आर ऐसा बोलते हैं ये एक नॉन वेनमस स्नेक होता है अभी ये करीब करीब रहेगा एक सात आठ फुट करेगा ये मेरे ख्याल से एक 7-8 साल का ऐसा रहेगा एक एक जो पाइथन है उसका जो उम्र है वो करीब करीब 40 से 45 से 50 तक रहता है 50 ईयर
और ये ज्यादा से ज्यादा है ना, अभी इतना छोटा है तो वो जो कॉलेंजोर मोटा चूहा रहता है ना उसको ज्यादा खाते हैं, या छोटे कुत्ते के बच्चे हैं, वो बिल्ली के बच्चे हैं, बिल्ली है, छोटा कोई भी जानवर, मुर्गी वुर्गी है तो उसको खाते हैं। ये ह्यूमंस के लिए हमलेस है, ये किसी को जल्दी बाइट नहीं करते, नजदीक गया पकड़ने की कोशिश किया तो बाइट करते हैं, इसमें वेनम नहीं है, ये काटा तो आदमी को मरेगा नहीं, लेकिन इसके मुंह में 100 दांत होते हैं, उसके 100 दांत होते हैं ऐसा हुक के जैसा, एक बार किसी को पकड़ लिया तो उसके मुंह से जल्दी निकलता नहीं। तो ये जब काटते हैं ना तो ऐसा नहीं कि पकड़ के उसको खींचते, ऐसा नहीं, जैसे वैसा काट के छोड़ते हैं, उसके जो दांत रहता है बहुत शार्प रहता है, पॉइंटेड, तो वहां से ब्लेड से जैसा चाकू से काटते हैं ना स्किन, वैसा कट जाता है और वहां से खून बहुत आता है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो सिर्फ साबुन पानी से उसको धोना है, और जो जैसे जख्म को हम उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं वही करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत लोग सोचते हैं कि पाइथन है वो गले को दबा के मार देता है लोगों को, वो ऐसा नहीं, किसी इंसान के ऊपर हमला नहीं करते, वो सिर्फ उसके ऊपर हमला करते हैं जिसको वो खा सकते हैं, तो छोटे जानवर को खाते हैं इसके लिए उस पर हमला करते हैं, इंसान बड़े होते हैं उस पर हमला नहीं करते। हाँ, अभी कोई इसको पकड़ के गले में डाल के फोटो निकालने जाएगा तब वो धीरे धीरे टाइट वाइट कर लेता है, तब वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, दो लोग हैं तो उसको छुड़ा सकते हैं, लेकिन वैसा करना सही नहीं है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। और ये शेड्यूल 1 स्पीशीज, इसको रखा गया किंग कोबरा, इसको कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसको मार नहीं सकता, अगर मारा हाथ लगाया और सबूत मिल गया किसी डिपार्टमेंट के पास तो वो जाएगा 3-4 साल के लिए अंदर। अभी आप लोग क्या करेंगे इसको? इसको हम लोग जाके जंगल में छोड़ देते हैं। ओके, वेलकम। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमने इस इंडियन रॉक पाइथन अजगर सांप का रेस्क्यू कैसे किया। ये घरों के आसपास थोड़ी झाड़ी थी, उसमें ये अजगर सांप घुस के बैठा हुआ था, और ऐसा बैठा था घास में कि दिख भी नहीं रहा था ये। और ये देखिए, हमने इसका रेस्क्यू किया और इसके बारे में पूरी जानकारी दी, वहाँ के लोगों को समझाया बताया कि ये इंडियन रॉक पाइथन अजगर सांप है, ये हार्मलेस स्नेक है, सिर्फ छोटे छोटे जीवों को खाता है, जानवरों को, वहाँ सब कुछ तो बताया अपने वीडियो में देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा, हमने अब इसे रिलीज कर दिया। तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकॉन घंटे के निशान को ज़रूर दबा दें। तो ऐसे ही ज्ञान और रोमांच से भरपूर वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, फिर किसी सांप के साथ, फिर किसी जीव के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।